दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आपने वीडियो सुना जहां पर रमेश भदौरी बीजेपी के नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आजादी के बाद पहली बार किया गया होगा संसद के अंदर। साथ ही साथ ऐसा लग रहा था इस वीडियो को देखने के बाद कि ये संसद ना हो बल्कि सड़क हो गई हो, जहां पर दो रोड छाप लड़ाई कर रहे हो और एक इंसान लगातार गालियां बकता हुआ दिखाई दे रहा हो। एक रिलीजन को इस वीडियो के अंदर टारगेट किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये, जो बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है उसी के नेता एक रिलीजन को इस तरीके से गालियां देते हुए संसद के अंदर दिखाई देते हैं। लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है वहां पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और स्पीकर की तरफ से चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करिएगा वरना कार्रवाई होगी। अब आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, संजय सिंह और राघव चड्ढा इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, बल्कि इन लोगों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। तो क्या आज बीजेपी नेता जो कहते हुए दिखाई दिए उसके बाद इसी तरीके का कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर इससे भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि जो इंसान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो, जो इंसान एक रिलीजन को टारगेट कर रहा हो, जो इंसान ये बोलता हुआ दिखाई दे रहा है मुल्ले आतंकवादी और साथ ही साथ उग्रवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक रिलीजन के नेता के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, क्या उसे संसद में रहने का हक है? क्या उसके खिलाफ वो सरकार एक्शन लेगी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है? आपके सामने दोस्तों प्रधानमंत्री की भी एक वीडियो चलाना चाहूंगा जो लगातार इस बीच सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला है, लेकिन आज जो मर्यादा पार की गई है ऐसी भी मर्यादा कभी पार नहीं की गई। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इससे पहले मीनाक्षी लेखी भी संसद के अंदर ये कहते हुए विपक्षी नेता को जब वो टारगेट कर रही थी कि आप चुप रहिए वरना आपके घर ईडी आ जाएगी, हालांकि उन्होंने बाद में ये बताने की कोशिश की कि ये मजाक में बात कही गई मेरे तरफ से, लेकिन क्या मजाक में भी इस तरीके की धमकी देना सही है? क्या मजाक में भी ईडी और सीबीआई की अगर बात की जाएगी तो इस तरीके का उनका इस्तेमाल करके मजाक उड़ाना विपक्ष का सही हो जाता है? उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था मीनाक्षी लेखी की अगर बात की जाए कि आप शांत रहिए वरना घर पर ईडी आ जाएगी, क्या ये सही था? और अब रमेश भदौरी ने तो सारी हदें पार कर दी। सबसे पहले एक बार वीडियो आपके सामने चलाना चाहूंगा, फिर सुन लीजिए क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद खबरों में चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको खबर बताऊंगा। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं। सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिशल जी प्लीज, ये बिदुरी सर उग्रवादी आतंकवादी मुल्ले इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और पता नहीं क्या क्या कहा गया। ये सारे शब्द रमेश भदौरी की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। सोचने वाली बात यह है, लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है जहां पर सारे रिलीजन का सम्मान होना चाहिए, बहस अपने जगह सही है, बहस होनी चाहिए क्योंकि विपक्ष में जो है वो अपना टॉपिक उठाएगा और आप अपना टॉपिक उठाएंगे, लेकिन बहस में आप एक रिलीजन को टारगेट कर जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, खबरों में जो सामने आ रहा है उसमें बताने की कोशिश की जा रही कि बीएसपी नेता दानिश अली को लगातार टारगेट करते हुए रमेश भदौरी दिखाई दे रहे थे, इसलिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब आप समझ सकते हैं, एक मुस्लिम सामने खड़ा हुआ था इस वजह से मुल्ले जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ वहां पर आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है आप सबने सुना होगा। साथ ही साथ आप अब ये भी समझ सकते हैं कि क्या है दिल में जब बीजेपी नेता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं और उनके नेता कुछ और ही बोलते हुए दिखाई देते हैं। इस वीडियो में तो बहुत कुछ देखने वाला था जहां पर बाकी बीजेपी के नेता हंसते हुए भी दिखाई दे रहे थे। किसी ने यह भी नहीं कहा जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है बीजेपी नेता वो गलत है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसे शब्दों को लेकर सामने आएंगे और कहेंगे कि जो हमारे नेता ने शब्द इस्तेमाल किए हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो बीजेपी लेगी और साथ ही साथ ऐसे लोगों का बीजेपी सम्मान नहीं करेगी, ऐसे लोगों को तुरंत से तुरंत पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और संसद के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आप किस तरीके से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपके सामने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो लाना चाहूंगा, सुन लीजिए क्या कहते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री कई बातें कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि आप का जो व्यवहार है वो तय करेगा कि आप किस तरफ बैठते हैं, यानी कि जो सत्ता में पार्टी उसके साथ बैठते हैं या फिर अपोजिशन के साथ बैठते हैं। यही वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, आपके बगल में ये वीडियो चलाना चाहूंगा। सुनता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा
ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जहां जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं। मैं भी तो आकर भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिशल जी प्लीज, फिलहाल प्रधानमंत्री ने दोस्तों जो कहा वो आपने सुना, और जो रमेश भदूरी कहते हुए नजर आ रहे थे वो भी आपने सुना। ये बताता है रमेश भदूरी के दिल में कितनी ज्यादा नफरत है एक रिलीजन के खिलाफ। और ये भी बताना जरूरी है, जब रमेश भदूरी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे तो वहां पर कई बीजेपी के नेता के चेहरे पर स्माइल देखी जा रही थी, क्या सच में ये सबका साथ सबका विकास देखने को मिल रहा है। जब विकास की बात होती है तो ओए मुल्ले संसद में कहना सही हो जाता है, वो संसद जहां से देश चलता है, वो संसद जिस पर पूरे देश की नजर होती है, वो संसद जहां से देश आगे बढ़ता है, जहां से देश के बड़े से बड़े फैसले लिए जाते हैं, वहां पर एक रिलीजन को ऐसे टारगेट कर देना दोस्तों क्या सही था? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपकी राय क्या है। साथ ही साथ आप किस तरीके से रमेश भदूरी के बयान को देखते हैं, क्या सच में व्यवहार इस तरीके का होना किसी इंसान का सही था? प्रधानमंत्री ने अपनी वीडियो में बताने की कोशिश की कि आपका व्यवहार तय करेगा कि आप किस तरफ बैठेंगे, आप हमारे साइड बैठेंगे या फिर आप अपोजिशन की साइड बैठेंगे। ऐसे में रमेश भदूरी का ये व्यवहार आपको किस तरीके से लगा, वो संसद में भी बैठने के लायक है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ क्या एक्शन सरकार को लेना चाहिए, क्या एक्शन स्पीकर को लेना चाहिए, यह भी जरूर सुझाव दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, यहां तक कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे नेता जो हैं इनको कभी भी वोट मत दीजिएगा, क्योंकि ये जातिवाद की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, संसद में भी धर्म की राजनीति करते हुए दिखाई दिए। और क्या सच में ऐसे नेता देश को आगे बढ़ा पाएंगे जिनके मुंह पर इस तरीके से गालियां आते हुए दिखाई देती हैं, जिनके शब्दों में ही गालियां हैं, क्या वो आपका भला कर पाएंगे? सोचिएगा जरूर, राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।